Hello everyone, welcome to my channel VS Education Shop. Today I am here to discuss missing number series के कुछ questions. जैसा कि आपको मालूम है IBPS clerk का exams, upcoming exams IBPS clerk का ही है, तो उसी पर अपन focus कर रहे हैं. अपन missing number series के questions देखते हैं. Okay, regular basis पे upload video upload होंगे, 100% आपके लिए बहुत benefit होगा. अगर आपने LIC assistant का exams दिया है, pre का exams, तो 100% मेरे जो questions थे आपने solve किए होंगे. आपको पता होना चाहिए कि हाँ questions इसी level पे आते हैं. Okay, तो स्टार्ट करते हैं IBPS क्लर्क का. लगभग 150 क्वेश्चंस अपन डिस्कशंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस लगभग आगे फिफ्थ ऑफ क्लासेस हैं, तो लास्ट फोर्थ क्लास आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो 100% आपके लिए बेनिफिट होगा. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को. एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माई चैनल्स, तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज ए ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. देखिए, 100 क्वेश्चंस मैंने एक सीरीज अपलोड की थी मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, तो प्लीज ऐसा ही थंबनेल बना हुआ है. अगर आपने अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा. सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, आई गारंटी आपके 5 मार्क्स एग्जाम्स में कोई नहीं रोक सकता. प्री के लेवल से, प्री में इसमें कुछ मेंस के लेवल के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके, पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, सर पीडीएफ हमको भी चाहिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन. देखिए, 21 क्वेश्चंस हैं. 20 तक मैंने कहा था, जैसा कि फोर्थ क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 21 क्वेश्चंस अपन आज डिस्कशंस करेंगे. ओके, देखिए, 78, 143 एंड देन 293 एंड देन 528 एंड देन क्वेश्चंस मार्क एंड देन 1253. राइट, दिस इज द क्वेश्चंस. सीरीज देखिए, सीरीज का पैटर्न देखिए, स्लोप मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्लोप मेथड. अब अगर आपको पता है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, स्लोप से आपको पता चल गया सीरीज डिफरेंस है, मल्टीप्लीकेशन से, प्लस माइनस एक तरह से कह सकते हैं, कौन सी सीरीज है, स्क्वायर बेस है, सारा कुछ आपको एक तरह से कह सकते हैं स्लोप से पता चल जाएगा. देखिए, यहाँ से ये डबल्ड हो रहा है, यहां से भी एक डबल टू टाइम्स है, यहां से एक, देखिए ये भी एक तरह से कह सकते हैं, ये भी एक तरह से कह सकते हैं टू टाइम्स, अब टू टाइम्स से करीबन कम है यहाँ पर, तो बिल्कुल ही टू टाइम्स एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर ये टू टाइम्स यहाँ पर हो रहा है, तो देन बिकम्स अपन कह नहीं सकते कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है. राइट, अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो देन डिफरेंस भी इस पर सीरीज जा सकती है. राइट, देखिए यहाँ से डिफरेंसेस क्या कह रहा है, 43. राइट, देखिए, 13 माइनस 8 5. राइट, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, या 28 या आप 22 प्लस 43 65, इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो, प्लस का एंड देन यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि 150 का डिफरेंस है, 15 प्लस 14 इज इक्वल टू 29. एंड देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्सोल्युटली लग रहा है कि 7 इसमें ऐड कीजिए, 7 इसमें ऐड करेंगे 300 228 प्लस 7 इज इक्वल टू 235. राइट, बिल्कुल करेक्ट है. देन क्वेश्चन मार्क, देन यहाँ पर भी अपने को मालूम नहीं है. ओके, देखिए यहाँ पर सीरीज अपने को पता चल गई कि देन बिकम्स यहाँ पर देखिए 80, यहाँ पर 85 का डिफरेंस है. राइट, देन बिकम्स यहाँ पर भी आपका 85 का डिफरेंस है. ओके, 85 इसमें ऐड करेंगे तो देन बिकम्स 235, तो देन बिकम्स नेक्स्ट भी आपका 85 का डिफरेंस होना चाहिए. राइट, तो 85 इसमें ऐड करेंगे तो देन बिकम्स 65 करेंगे तो 300 प्लस 20 बजा तो 320. राइट, 320 प्लस यहाँ पर भी 85 का डिफरेंस होना चाहिए. राइट, देखते हैं 85 का डिफरेंस, तो 320 प्लस 85 यहाँ पर अपन चेक करने के लिए. राइट, देखिए क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं. 320 यहाँ पर 320 इसमें ऐड करेंगे तो देन बिकम्स 8 2 4 एंड 4 5 4 3 5 4 3 8. राइट, 848. राइट, एंड देन नेक्स्ट टर्म्स देखिए, नेक्स्ट टर्म्स देखिए, 85 इसमें ऐड करेंगे तो देन बिकम्स 5 8 2 10 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. राइट, 4 यानी कि 405 यहाँ पर डिफरेंशिएट आना चाहिए, तो देन बिकम्स यहाँ से आपको लग रहा है 8 और 4 1248 प्लस 5 इज इक्वल टू 53, तो सही है, बिल्कुल करेक्ट. तो देन बिकम्स आंसर विल बी डी इज द करेक्ट, यानी कि 848 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द डबल डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन. राइट,
आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं सर इसमें डाउट है नहीं समझ में आया, सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 2 मिनट्स, अगर बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आप 1 एंड आपकी 2 मिनट्स से कम में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए 11, 31, 69 एंड देन क्वेश्चन मार। देखिए मैंने बहुत बार क्वेश्चन डिस्कशन किए कि जो एक तरह से कह सकते हैं मिड में क्वेश्चन मार्क दे देता है तो सीरीज आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑब्जर्वेशन आपकी कैसी हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके 233 एंड देन 351 राइट, 11, 31 से 69 से यहाँ पर देख नहीं सकते तो देन बिकम्स यहाँ पर भी अपन देख सकते हैं, राइट। सीरीज देखिए, सीरीज मैंने जैसा बताया है कि सीरीज बीच अगर सेंटर्स में हो मिड में हो तो आप कह सकते हैं कि सीरीज आपका डिफरेंस बीच नहीं जा सकती, या तो कोई पैटर्न अलग पैटर्न लगेगा, स्क्वायर बेस, मल्टीप्लीकेशन बेस, क्यूब बेस, ये पैटर्न फॉलो कर सकता है, उस पर पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए, नॉट डिफरेंस पे जाना चाहिए। ओके देखिए 31 यहाँ पर 69, 31 आपको लग रहा है कि 3 के क्यूब करीबन है, 3 का क्यूब + 4 आपका 31 होता है, एंड देन 4 का क्यूब आपका +5 = 69 होता है, राइट। देन बिकम्स नेक्स्ट आपके 2 का क्यूब + 3 आपकी 11 होता है, राइट। तो देन नेक्स्ट टर्म्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए 4, 2, 3, 4 एंड देन 5, 5 का क्यूब + 6 6 का क्यूब + 7, 7 का क्यूब + 8 राइट, 7 का क्यूब 343 + 8 = 351 बिल्कुल करेक्ट है, 6 का क्यूब 216 + 7 = 223 बिल्कुल करेक्ट है, 5 का क्यूब 125 + 6 देन बिकम्स आंसर विल बी 131 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके 22 का बी राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छी सीरीज प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपकी भी इससे स्पीड हो सकती है। ओके नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 162, 152। देखिए यहाँ पर कम हुआ है तो अपन ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि कम किस बेसिस पे हुआ है, 158 एंड 307 यहाँ पर एक तरह से डबल टाइम्स हो रहा है, 15 to 30 राइट, एक तरह से डबल टाइम्स हो रहा है राइट। एंड देन यहाँ पर देखिए, देन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए 35 17,000 अप्रोक्स है, इट मीन्स यहाँ पर एक तरह से 36 मानिए इसको, 18,000 मानिए, तो यानी कि एक तरह से 5 टर्म्स आप कह सकते हैं राइट। ये 5 टर्म्स हैं, ये आपका 2 टाइम्स मैंने बताया, जैसा कि ये आपका 1 टाइम्स है बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 एंड द नेक्स्ट टर्म्स आपके 3 एंड द नेक्स्ट टर्म्स आपके 4 राइट। ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है राइट, इंटू 1 माइनस यहाँ पर 4 रखना चाहिए तभी ये 158 आएगा, यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो 150 308 और 8 16, यानी कि 316 अपन को 17 लाना है, तो कितने माइनस करें, 6 + 3 = 9 अपन माइनस करेंगे तो देन में कम्स 307 करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ओके यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो देन कम्स यहाँ पर 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, ये पैटर्न एक बार लगाइए, अगर नहीं मिले तो आपको कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 राइट, 16 अपन माइनस करेंगे इंटू 3। देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज है, 307 से मल्टीप्लीकेशन करनी है, 300 × 3 = 9, 900 + 7 × 3 = 21 - 16। देखिए सीरीज कैसे हो गई एकदम इजीली आप निकाल सकते हैं, ये 5 टर्म्स रहा, 5 टर्म्स रहा तो 905 इज द करेक्ट, 905 बिल्कुल ऑब्जर्व एक तरह से पैटर्न मिल रहा है। तो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं 905 × 4 तो यहाँ पर अपन 25 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर अपन लेस करेंगे। देखिए 9 4 जा 36 100, 5 5 जा 5 4 जा 20 राइट, ये प्लस का है देन माइनस का 25, तो 5 माइनस कर रहा तो 5 इसमें से माइनस कर दिए तो देन बिकम्स आंसर विल बी 3,495 इट मीन्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है 905 राइट।
अच्छी सीरीज थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम से बन सकता है क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और कैलकुलेटिव भी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। देखिए 513, 537, 750, माई डियरेस्ट फ्रेंड्स, अगर लग रहा है आपको आंसर कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो प्लीज एक बार सेशंस को लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई सजेशंस हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड देन सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल्स को अगर अभी तक भी नहीं किया है तो। ओके, रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड होते हैं। आई होप आपने देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि कितना हार्डवर्क है एक तरह से, क्वेश्चन आपके लिए सर्च करना, क्वेश्चन सॉल्व करवाना, तो प्लीज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिट द लाइक बटन। ओके, नेक्स्ट देखिए 513, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। 513, 537, एब्सोल्युटली लग रहा है कि ये डिफरेंस बीच पर नंबर सीरीज है, राइट। डिफरेंस बीच पर नंबर सीरीज है 4, यहाँ पर 24 का डिफरेंसेस है, राइट। यहाँ पर देखिए कितने का एक तरह से डिफरेंसेज कह सकते हैं अपन, 12 - 7 = 5, एंड देन बिकम्स यहाँ पर 1 रिमेनिंग, यहाँ पर 4 रिमेनिंग, 4 - 3 = 1, एंड 7 - 5 = 2, बिल्कुल करेक्ट है। तो देन बिकम्स यहाँ पर देखिए 48, बिल्कुल एकदम से एब्सोल्युटली लग रहा है 48 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 8 और 5, यानी कि 1 1 8 5 1300 + 11 11 आप कह सकते हैं, +11, राइट। अब देखिए, अगर आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं मेरे साथ, मेरे चैनल्स पे, मेरे जो पीडीएफ मैंने जो लगाई थी, पहले आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। अदरवाइज यू आर स्किप दिस क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है। ओके, देखिए 24, 250, 215, राइट। इट मीन्स ये एक तरह से कह सकते हैं 6 का क्यूब है, राइट। ये एक तरह से कह सकते हैं 5 का क्यूब देखिए 125, एंड 6 का क्यूब 216, यानी कि 6 का क्यूब -1 है, राइट। एब्सोल्युटली लग रहा है ये 7 का स्क्वायर -1 है, राइट, बिल्कुल लग रहा है। एंड देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का क्यूब -1 लग रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी आपका 8 का क्यूब -1 एब्सोल्युटली लगेगा, तो सीरीज इज सॉल्व, यानी कि 5, 6, 7, 8, देन बिकम्स नेक्स्ट आपके 4 का, यहाँ पर आपके स्क्वायर है, नॉट क्यूब, 5 का स्क्वायर, ओके, स्क्वायर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर क्यूब होना चाहिए -1, राइट। 4 का क्यूब आपके 64 - 1 = 63, इसमें से रेस करेंगे तो देन बिकम्स आंसर विल बी 450, राइट। 450 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप सो गाइस करेक्ट आपके क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था, तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में सर अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ चीज हेल्प की है। ओके, 24 का सी, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 212, 222, 112, 58, 32, एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन 15, राइट। या आप इस टाइप से जा सकते हैं या इस बेसिस पे आ सकते हैं, जो आपको सूटेबल्स लगे उस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, -+1 करेंगे, तो देन बिकम्स अपने पास 112 आ सकता है। यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे अपॉन 2, राइट, अपॉन 2 करेंगे तो 56 + 2 अपन करेंगे तो देन बिकम्स आंसर 58, राइट। तो देन यहाँ पर देखिए अपॉन 2 यानी कि 0.5 कह सकते हैं या अपॉन 2 कह सकते हैं, 58 यानी कि 29 होगा, राइट। प्लस 3 करेंगे अपॉन 2 प्लस 3, राइट, यहाँ पर भी फिर अपॉन 2 प्लस 4, राइट। तो एब्सोल्युटली लग रहा है कि अपॉन 2 करेंगे तो 16 + 4 यानी कि 20, राइट, 20 एब्सोल्युटली करेक्ट हो रहा है। देखिए अपॉन 2 + 1, अपॉन 2 + 2, अपॉन 2 + 3, अपॉन 2 + 4, एंड देन बिकम्स अपॉन 2 + 4 करा तो अपन ने आंसर आया अपने पास 20, 32 का हाफ 16 + 4 = 20, 20 का हाफ 10 + 5 = 15, राइट। तो देन बिकम्स आंसर विल बिकम आपके 20, नॉट एट ऑल, इट मीन्स नन ऑफ दीज, यानी कि ई करेक्ट आंसर 25 का। आई होप सो गाइस आपको समझ में आएगा। इफ यू लाइक द क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, कुछ अच्छी चीज लगी आपको, तो प्लीज
लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ एंड अपने कलीग्स के साथ, किसी भी ग्रुप में हो प्लीज़ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।